व्हाई इज फरेन टोरेस सो क्रिटिसाइज्ड? मतलब कुछ कुछ लोग तो उसे हेट देते हैं, कुछ कुछ लोग डिसलाइक करते हैं बार्सिलोना प्लेयर के तौर पे, बट ये क्यों? थ्री रीजंस है. ही इज डिफरेंट, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हाई है, एंड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अब ये तो क्वोट सुना होगा सबने, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बीहोल्डर. अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एस्थेटिकली तुम्हें कौन सा फुटबॉलर बहुत प्लीजिंग लगता है, तुम बोलोगे मेसी, नेमार, रोनाल्डिनियो, केविन डे ब्रुइने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट फेरान टोरेस जैसे प्लेयरों का नाम कोई नहीं लेगा. क्यों? क्योंकि तुम्हें ड्रिबल्स दिखते हैं उन प्लेयर्स के, तुम्हें शॉट क्रिएशंस दिखते हैं, तुम्हें पासेस दिखते हैं, तुम्हें असिस्ट दिखते हैं, विच आर इजी टू सी. और उन्हें बेसिकली बॉल चाहिए होता है इम्पैक्ट करने के लिए गेम को, जो फेरान टोरेस को नहीं चाहिए होता. उसके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस ना ऑफ द बॉल होते हैं. मतलब बार्सा फैन जो ट्रेडिशनल विंगर से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि नेमार जैसा है, ड्रिबल करे, गोल मारे, वैसे नहीं है फेरान टोरेस. वो बहुत अलग टाइप का प्लेयर है. अगर फेरान टोरेस एक गेम में 0 गोल और 0 असिस्ट देना और उसके ही साइड पर और एक प्लेयर 0 गोल और 0 असिस्ट दे बट कुछ ड्रिबल्स करके दिखाए, तो वो लोग फेरान टोरेस पर चढ़ जाते हैं और उस बंदे को प्रेस करते हैं, क्योंकि ड्रिबल्स आर इजी टू सी. तुम देख सकते हो बंदा क्या कर रहा है. भाई ये बहुत डिफिकल्ट है कहना कि एक कंट्रीब्यूशन दूसरे कंट्रीब्यूशन से ज्यादा बेहतर है, कि ये कंट्रीब्यूशन ने कंट्रीब्यूशन से ज्यादा बेहतर है. बट फेरान टोरेस कैन हैव द सेम इम्पैक्ट बाय हैविंग 0 ड्रिबल्स. वो स्पेस क्रिएट कर सकता है, वो डिफेंडर्स को हिला सकता है अपने मूवमेंट्स के दम पर. एक प्लेयर को ड्रिबल करने के बाद स्पेस मिलती है, और वही ऑफ द बॉल मूवमेंट करने के बाद भी स्पेस मिलती है जब आप ड्रैग करते हो अपनी तरफ प्लेयरों को. बट ये डिफिकल्ट होता है नोटिस करने में, क्योंकि आपको ड्रिबल्स तो दिख जाएंगे बट ये जो ऑफ द बॉल मूवमेंट्स है कभी कभी दिखते नहीं, क्योंकि आप स्टेडियम में नहीं बैठते, आप टीवी पर देख रहे हो और टीवी वाले ये दिखाते भी नहीं. देयर इज अ रीजन व्हाई पेप गुआर्डियोला वांटेड हिम टू स्टे, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई ही स्टार्ट्स फॉर स्पेन. फेरान टोरेस बार्सिलोना में आया जनवरी में, तब से हमारा सबसे ज्यादा गोल कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाला बंदा फेरान टोरेस ही है. यस, वो गोल नहीं मार पाता, मिस करता है चांसेस, बट चांसेस मिस करने और गोल मारकर भी चांसेस मिस करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है. ग्रेट गोल स्कोरर्स मिस चांसेस, ऑब्वियस. लेवेंडोव्स्की को देखा था पिछले सीजन, बहुत चांसेस मिस किए थे बट गोल तो मार रहा था ना. वही बात है फेरान टोरेस के साथ, वी नीड टू बी पेशेंट, टाइम देना होगा उसे. अभी तक वो यंग है भाई, यंग है वो अभी तक. तुम पेशेंट रहो, गिव हिम टाइम, वो अपने आप इवॉल्व होगा, उसकी फिनिशिंग इंप्रूव होगी, उसकी मूवमेंट्स इंप्रूव होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम इसे देखकर कहोगे मैंने इसे स्पॉट किया था, ये बहुत अच्छा खेलता था बार्सिलोना के लिए. ठीक है, तो भाई इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं. आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, अगर आई हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब. वी सब्सक्राइबर्स से रीच मिलती है, और ऐसे ही कंटेंट मुझे पहुंचाना है, ऐसी क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना है. कमेंट्स कर देना कि आपके क्या ओपिनियन है, यू कैन डिफर विथ मी, नो वरीज, कमेंट्स कर दे. और भाई अपनी जरा ओपिनियंस रखें, कि ओपिनियंस मैटर करते हैं, बिकॉज ओपिनियंस से पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ. अगर कुछ फर्क रहा तो वी कैन जस्ट डिस्कस इट आउट, समझ रहे हो. आपके ओपिनियंस बहुत, भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को जितना पता नहीं होगा ना, तुम में से किसी एक को मेरे से ज्यादा, हद से ज्यादा पता होगा. तो वही तो भाई सीखने बैठा हूँ मैं यहाँ पर. कमेंट्स करो, बताओ. तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, विस्काल बार्सा, एंड जय हिंद.